बिस यू आर वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू आई ए एस पॉइंट दिस इज दीपाली आज का हमारा टॉपिक है रेखिक मांग बकरी की दिशा में लोच तो इस टॉपिक को हम नहीं कर रहे हैं इसको आप नॉर्मली रीड कर लीजिए और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ना ही इसमें किसी तरह का कंटेंट है और ना ही कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो इसे आप नॉर्मली रीड कर लीजिए तो इसके आगे का टॉपिक हम पढ़ते हैं आज इसके आगे का टॉपिक है किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक किसी वस्तु के लिए मांग की क्या कीमत होती है और लोच को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं लोच का मतलब जैसे कि कल हमने समझा था लास्टिसिटी या लचीलता ठीक है तो किसी भी वस्तु के लिए जो मांग होती है और उसकी कीमत और लोच को निर्धारित करने वाले कारक हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच वस्तु की प्रकृति और वस्तु के निकटतम स्थापन की वस्तु की उपलब्धता पर निर्भर करती है किसी वस्तु के लिए जो मांग की कीमत होती है वो काय पे डिपेंड करती है वो करती है वस्तु के निकटतम स्थापन वस्तु की उपलब्धता दोनों पर डिपेंड करती है उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं खाद्य पदार्थों तो जैसे आवश्यक वस्तुओं के संबंध में विचार करते हैं जैसे हम खाने की वस्तुओं के संबंध में विचार करते हैं ऐसी वस्तुएं जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं ऐसी वस्तुएं जीवन के लिए आवश्यक होती हैं तथा उनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर उनके लिए मांग में बहुत परिवर्तन नहीं होता है और जब ऐसी वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होता है तो उनकी मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है तो खाद्यान्नों की कीमत के बढ़ने पर भी उनके लिए मांग में बहुत परिवर्तन नहीं होता है और उन खाद्यान्नों के कीमत में बढ़ने पर भी मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है इसके विपरीत विलासिता की वस्तुओं की मांग पर उनकी कीमत में परिवर्तन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है सामान्यतः आवश्यक वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोचहीन होने की संभावना होती है जबकि विलासिता की वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोचदार होने की संभावना होती है जैसे कि हम यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्यतः आवश्यक वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोचहीन होने की संभावना होती है इसका मतलब क्या है कि जो आवश्यक वस्तु होती हैं यानी जो वस्तुएँ इम्पॉर्टेंट होती हैं उनके लिए जो लोचहीन कीमत का होगी उन वस्तुओं के लिए जो कीमत होगी वो कैसी होगी उसकी मांग के लिए लोचहीन होगी ठीक है जैसे कि ए, कोई भी इंपॉर्टेंट वस्तु जैसे खाने की चीज़ें होती हैं ठीक है ठीके? खाने की चीज़ों में क्या हुआ अगर वस्तु की कीमत घटती है या बढ़ती है तो कैसी होगी वो मांग उसकी लोचहीन हो जाएगी क्योंकि अगर कीमत बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कम में खरीदेंगे उसको या ज़्यादा में भी खरीदेंगे तो वो कैसी होगी लोचहीन होगी और जबकि विलासिता की वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं जैसे कि जो हम अपने शौक के लिए यूज़ करते हैं जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं परफ्यूम ठीक है एक परफ्यूम ले लिया हमने जिसका हम यूज़ कर रहे हैं वो फोर में आता है ठीक है अगर वो सिक्स में आने लगा है तो हम क्या करेंगे इसको लेना बंद कर देंगे और कहीं ना कहीं इसका यूज़ करना भी हम बंद कर देंगे तो उसी तरह विलासिता की वस्तुएँ जो होंगी वो लोचदार होने की संभावना में होती हैं आई होप कि आपको समझ आया होगा आगे यदि खाद्य पदार्थों के लिए मांग लोचहीन होती है परंतु कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए मांग लोचदार हो सकती है हमने देखा कि खाद्य पदार्थों के लिए मांग कैसी होती है लोचहीन होती है परंतु कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए लोचदार भी हो सकती है जैसे कि कुछ विशेष किस्म की दालों को ही ले लीजिए जैसे कि हम दाल का एग्जाम्पल ले लेते हैं यदि किसी विशेष किस्म की दाल की कीमत बढ़ जाती है यदि जैसे मान लीजिए अरहर अरहर की दाल की कीमत बढ़ जाती है ठीक है टू से हो जाती है थ्री हंड्रेड अरहर की दाल की कीमत तो इस स्थिति में क्या होगा तो लोग क्या करेंगे किसी अन्य दाल का उपभोग करने लगेंगे जो उसका निकट का स्थापन है तब लोग क्या करेंगे किसी और दाल को खाने लगेंगे वो या तो मसूर की या मूंग की दाल को खाने लगेंगे अरहर की दाल की जगह पर यानी वो उसके निकट की जो दाल है उससे स्थापन कर लेंगे जो हमने स्थापन के टॉपिक में पढ़ा था उस वस्तु की मांग लोजदार होती तब इस वस्तु की मांग कैसे हो जाएगी लोजदार हो जाएगी जिसकी निकट की स्थापन वस्तुएँ सरलतापूर्वक उपलब्ध हों जिस वस्तु की निकट की स्थाप स्थापन वस्तुएं सरलता पूर्वक उपलब्ध होंगी वो लोचदार मांग हो जाएगी ठीक है इसके विपरीत यदि निकट की स्थापन वस्तुएं सरलता पूर्वक उपलब्ध नहीं है तो ऐसी वस्तु के लिए मांग लोचहीन होगी और ऐसी वस्तुएं जिनके लिए निकट की वस्तुएं उपलब्ध ही नहीं है तब मांग कैसी होगी तब मांग लोचहीन हो जाएगी तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिए क्योंकि इस टॉ तो, इस वाले चैप्टर में जो भी पॉइंट हाईलाइट हुए हैं वो पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं आप इन्हें नोट कर सकते हैं ठीक है तो ऐसी वस्तुएं जे जो कैसी होंगी जो उपलब्ध ही नहीं होंगी मतलब स्थापन के रूप में जो उपलब्ध ही नहीं होंगी वो वस्तुएं कैसी कहलाएंगी लोचहीन जैसे परफ्यूम है ठीक है हम परफ्यूम का यूज़ करते हैं ठीक है करते हैं सभी करते हैं अगर परफ्यूम हमें नहीं मिल पा रहा है ठीक है जैसे मान लीजिए फाइव हंड्रेड का आ रहा है और हम इसे नहीं ले पा रहे हैं तो हम इसकी जगह पर कुछ और चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं यानी उसके निकट की वस्तुएं मिलना थोड़ा सा मुश्किल है तब मांग कैसी हो जाएगी लोचहीन होगी ठीक है आगे आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोच तथा व्य शायद ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ठीक है लोच तथा व्य लोच जो हम पहले समझ चुके हैं वही लास्टिस लास्टिसिटी और लचीलता और व्य का मतलब क्या होता है खर्च ठीक है तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं और लोच तथा व्य को समझते हैं यहाँ बात हो रही है हमारी सारी उपयोगिता पर और लोच तथा व्य भी उससे रिलेटेड ही हैं किसी वस्तु पर वह उस वस्तु की मांग के बराबर होता है जो उस वस्तु की कीमत का गुणक है किसी वस्तु पर भी हम जो खर्च करते हैं वो उस वस्तु के मांग के बराबर होता है जो उस वस्तु की कीमत पर डिपेंड करता है यानी जो उस वस्तु की कीमत होगी हम उस पर उतना ही खर्च करेंगे वो उस वस्तु का वह कहलाएगा ये प्रायः जानना महत्वपूर्ण होता है कि किसी वस्तु की कीमत में बदलाव से उस पर होने वाले खर्चों में कैसे परिवर्तन आता है ये जानना जरूरी है कि किसी वस्तु की कीमत में जब बदलाव होगा तो उसके परिवर्तन और उसके खर्च में किस तरह से परिवर्तन आएगा तो वस्तु की कीमत तथा उस वस्तु के लिए मांग एक दूसरे से प्रतिलोमता संबद्ध है जब वस्तु की कीमत और उसकी मांग एक दूसरे से कैसी है प्रतिलोमता संबद्ध यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि होगी जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो उस पर के किए जाने वाले व्यय में कैसी होगी वृद्धि होगी अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस पर और ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा जिससे उसके व्यय में वृद्धि होगी अथवा कमी अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है तो इसके अपोजिट होगा और वस्तु की कीमत में क्या आएगी कमी आएगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि कीमत में परिवर्तन के प्रति उस वस्तु की मांग कितनी अनुक्रियात्मक है यह किस बात पर निर्भर करेगा कम होगी या ज़्यादा होगी कीमत ठीक है अगर कीमत ज़्यादा होगी तो वह ज़्यादा होगा कीमत कम होगी तो वह कम होगा ठीक है और यह किस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी मांग कितनी है यानी उस वस्तु की उपयोगिता कितनी है जित ये चैप्टर ही पूरा उपयोगिता पर डिपेंड था और ये से हम उपयोगिता के साथ जोड़ ही पढ़ेंगे तो जिस वस्तु की उपयोगिता जितने ज़्यादा होगी उस पर वह उतना ही ज़्यादा खर्च होगा और उपयोगिता अगर किसी वस्तु की कम है तो उस पर व्यय भी कम होगा क्योंकि उस वस्तु को हम उतना ज़्यादा खरीदेंगे ही नहीं है ना और अगर किसी बस, किसी व्यक्ति के पास ट्वेंटी रुपये हैं तो वो वही वस्तु खरीदेगा जिस जिसमें ट्वेंटी रुपये में वो वस्तु आ सकती है उससे आगे की तो नहीं खरीद सकता किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि को ले लीजिए अब किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि को ले लीजिए यदि मात्रा में प्रतिशत गिरावट कीमत में प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अधिक है जिसकी मात्रा कीमत में जो है गिरावट वो प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अधिक है तो वस्तु पर होने वाला व्यय कम हो जाएगा तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा वस्तु पर जो व्यय होगा वो कम हो जाएगा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तालिका दो दशमलव पाँच में तालिका दो दशमलव पाँच में पंक्ति दो को देखें हम तालिका दो दशमलव पाँच में पंक्ति दो को देखते हैं पंक्ति दो यानी ये वाली लाइन ठीक है ये हमने देखी यहाँ प्लस टेन हो रहा है मात्रा में प्रतिशत माइनस बारह और कीमत बेलोचदार हो रही है ठीक है इसको हमने देखा अब क्या हो रहा है जैसे कि वस्तु की कीमत टेन परसेंट बढ़ती है तो उसकी मांग कितनी हो जाती है उसकी मांग बारह परसेंट गिर जाती है जब वस्तु की कीमत दस परसेंट बढ़ी तो मांग कितनी घट गई बारह परसेंट मांग गिर जाती है जिसके फलस्वरूप वस्तु पर होने वाला कुल व्यय गिर जाता है तब क्या होगा वस्तु पर जो कुल व्यय हो रहा था वो गिर जाएगा और दूसरी और क्या होगा दूसरी और यदि मात्रा में प्रतिशत जो होगा गिरावट में प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कम हो अगर क्या होगा जो प्रतिशत गिरावट कीमत है वो प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अगर कम होगी तो वस्तु पर व्यय अधिक होगा इस टाइप में क्या होगा वस्तु में व्यय अधिक हो जाएगा ये हम पंक्ति वन में देख सकते हैं यानी पंक्ति एक में देखो यहाँ पर मा प्लस टेन हुआ या माइनस ट्वेंटी हुआ ठीक है तो बेरोजगार हो गई कीमत यहाँ प्लस टेन था लेकिन ये कितना हो गया माइनस एट हो गया ठीक है तो इस तरीके से यदि मात्रा में प्रतिशत गिरावट कीमत में प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कम हो तो वस्तु पर वह अधिक होगा जो हमने पंक्ति एक में देखा और यदि प्रतिशत मात्रा में कमी कीमत में प्रतिशत वृद्धि के बराबर हो तो वस्तु पर वह अपरिवर्तित रहेगा यानी कि तीन में देखेंगे हम तब जब क्या होगा इस सिचुएशन में अपर वह कैसा रहेगा अपरिवर्तित रहेगा ठीक है कब रहेगा जब प्रतिशत मात्रा में कमी कीमत में प्रतिशत वृद्धि के बराबर हो यानी प्रतिशत मात्रा में कमी और कीमत में प्रतिशत वृद्धि दोनों बराबर होंगी तो वस्तु का वह अपरिवर्तित रहेगा अब वस्तु की कीमत में गिरावट पर विचार करें यदि मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कीमत में प्रतिशत गिरावट की तुलना में अधिक हो तो वस्तु पर व्यय में वृद्धि हो जाएगी तब वस्तु के व्यय में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी ये हम

प्रतिशत वृद्धि से कम है तो क्या होगा वस्तु पर किए गए व्यय में गिरावट आ जाएगी और यदि मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कीमत में प्रतिशत गिरावट के समान है तो वस्तु पर वह अपरिवर्तित रहेगा ये हमको में देखना है ये सिक्स में देखा तो यहाँ पर ये अपरिवर्तित रहा यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इस वाले में भी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं था यहाँ यहां पर ये यह बड़ा था यहाँ घटा यहाँ बड़ा और यहाँ पर भी बड़ा था ठीक है तो कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु पर व्यय में परिवर्तन तभी दिशा में जाएगा जब मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक है अर्थात यदि वस्तु की कीमत लोचदार है जब वस्तु की कीमत कितनी होगी लोचदार होगी पंक्ति दो में और चार में देखें है ना जब वस्तु की कीमत कैसी होगी लोचदार पंक्ति दो और चार में जब वस्तु की कीमत कैसी होगी जब वस्तु की कीमत लोचदार होगी ठीक है ये हमने पंक्ति दो और चार में देखा वस्तु पर व्यय में परिवर्तन तथा कीमत में परिवर्तन तभी समान दिशा में होगा जब केवल मात्रा में परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना तो में कम हो अर्थात यदि वस्तु की कीमत लोचहीन है तो एक और तीन देखेंगे हम एक और पाँच को देखेंगे ठीक है वस्तु पर बै तभी अपरिवर्तित रहेगा यदि केवल मात्रा में परिवर्तन परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के समान है अर्थात यदि वस्तु इकाई लोच वाली है तो पंक्ति तीन और छः को हम देख सकते हैं तब यहाँ क्या होगा जब कीमत में परिवर्तन और मात्रा में परिवर्तन ठीक है कुछ इस टाइप से होगा प्लस और यहाँ पे कम होगा तो कीमत बेलोजदार होगी ठीक है यहाँ पर भी कीमत बेलोचदार होगी लेकिन जब सेम होगा तो इकाई लोच वाली होगी और जब वो सेम नहीं होगा मात्रा में परिवर्तन जो होगा यानी उसकी जो कीमत में जो परिवर्तन होगा वो कम और यहाँ वाला ज़्यादा होगा तो कीमत बेलोचदार होगी इस सारणी को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयताकार अति परवलय इसका समीकरण होता है एक्स फाय बराबर सी ये होता है आयताकार प्रवल ये बाय यहाँ होगा एक्स यहाँ एक्स वन एक्स टू यहाँ बाय वन बाय टू और जहाँ ये बिंदु मिलेंगे उसे बोलेंगे हम पी और क्यू जैसा कि इसमें दिखाया है जहाँ एक्स तथा बाय तो चर हैं तथा सी स्थिर है जहाँ पर एक्स क्या है एक्स और बाय चर है एक्स और बाय चर और सी जो है वो स्थिर है जिसे आयताकार पति परवलय कहा जाता है ये नीचे की ओर स्थित नीचे की ओर प्रवणता वाला x- माइनस समतल पर स्थित एक वक्र है जिसे रेखाचित्र में दर्शाया गया है वक्र पर किसी भी दो बिंदु P और Q, दो आयताकारों x ओ वाई वन और पी एक्स वन और ओ वाई टू और क्यू एक्स टू इनके समान हैं तथा सी के बराबर हैं यदि मांग वक्र का समीकरण पी क्यू बराबर ई का स्वरूप ग्रहण करता है यदि मांग वक्र का समीकरण पी क्यू बराबर ई का स्वरूप ग्रहण करता है जहाँ ई क्या होगा जहाँ ई स्थिर हो जाएगा तब एक आयताकार अति परवलय होगा जब आयताकार अति परवलय होगा यहाँ कीमत गुणा मात्रा स्थिर है ऐसे मांग वक्र में यह मायने नहीं रखता कि उपभोक्ता किस बिंदु का उपभोग करता है उसका खर्च हमेशा समान तथा ई के बराबर होता है यहाँ ये यह ज़्यादा जरूरी नहीं होता कि उपभोक्ता किस वस्तु किस वस्तु का या किस बिंदु का उपयोग करता है यहाँ पर जरूरी होता है सी का मान यानी सी का जो स्थिर मान है वह या फिर ई का नेक्स्ट हमारा किसी वस्तु पर वह और लोच में परिवर्तन के बीच संबंध अगर किसी वस्तु के व्यय और लोच में परिवर्तन के बीच क्या संबंध होगा मान लीजिए कि कीमत पी है वस्तु के लिए मांग कितनी है क्यू है पी है कीमत और क्यू है मांग ठीक है पी कीमत हो गई और Q मांग है तथा कीमत और कीमत पी प्लस डेल पी पर वस्तु के लिए मांग कितनी हो जाएगी क्यू प्लस डेल क्यू जब कीमत हो जाएगी सबसे पहले कीमत है पी फिर मांग क्यू है जब कीमत पी प्लस डेल पी होगी तो मांग कितनी हो जाएगी क्यू प्लस डेल क्यू हो जाएगी कीमत पी पर वस्तु पर संपूर्ण व्यय पी क्यू है और कीमत पी प्लस डेल पी पर वस्तु पर संपूर्ण व्यय कितना हो जाएगा पी प्लस डेल पी और क्यू प्लस डेल क्यू यानी दोनों को प्लस कर दिया यदि यहाँ पर दोनों को प्लस किया यदि कीमत में परिवर्तन पी से पी प्लस डेल पी होता है ये जब कीमत में परिवर्तन पी से डेल पी हो जाएगा तो वस्तु पर बे में परिवर्तन पी प्लस डेल पी क्यू प्लस डेल क्यू माइनस पी क्यू हो जाएगा ये पी प्लस डेल पी क्यू प्लस डेल क्यू माइनस पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू डेल पी प्लस पी डेल क्यू प्लस डेल पी डेल क्यू ये वाला डेल पी तथा डेल क्यू के छोटे मानों के लिए डेल पी और डेल क्यू का पद मूल्यनगन है तथा उस स्थिति में वस्तु पर व्य में सन्निकट परिवर्तन क्यू डेल पी प्लस पी डेल क्यू द्वारा दिया जा सकता है इसके द्वारा दिया जाए जाएगा व्य में सन्निकट परिवर्तन डेल ई बराबर क्यू डेल पी प्लस पी डेल क्यू बराबर डेल पी क्यू प्लस पी डेल क्यू अपॉन डेल पी यानी कि ये हो जाएगा तब व्यम परिवर्तन ये होगा ठीक है इसको आप सॉल्व करके कॉपी पर देख लीजिए डेल पी डेल पी क्यू वन डेल क्यू प्लस डेल क्यू डेल पी पी अपॉन क्यू इसको आप कॉपी पर सॉल्व करके देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ ध्यान ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि ई डी e, लेस देन माइनस वन तो यहाँ पर क्या होगा q प्लस वन प्लस ई डी लेस देन जीरो तथा इस प्रकार डेल e का विपरीत चिन्ह डेल p हो जाएगा ठीक है जब ई डी से बड़ा होगा माइनस वन तब ये वाला आएगा और जब ई डी बड़ा होगा माइनस वन से तब ये वाला आएगा और जब ई डी बराबर माइनस वन होगा तब क्यू वन प्लस ई डी बराबर जीरो तथा डेल ई e बराबर जीरो ये होगी ये तीनों शर्तों को हमें याद रखना है और उसके बाद इसको हमको सॉल्व करना है तो आप इसको एक बार कॉपी पर सॉल्व करके देख लीजिए तो ये वाला टॉपिक आज हमारा ख़त्म होता है और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी आज खत्म हो गया जो कि बहुत दिन से चल रहा था अब इसके ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यानी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन है इनको हम कल कंप्लीट करेंगे थैंक यू टेक केयर